सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड हम लोगों ने सेशन को लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे लेके चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, और हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। और हमारे पास गिवन है इक्वेशन की फॉर्म में 2x + 3y = 2, 3, 4, 0। एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है 3x + 2y = 2 - 2 - 1, 5। इसको हम 2 ले लेते हैं। नाउ अब हम इसको वैसे ही लेके चलेंगे जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस में दो इक्वेशंस को लेके चलते हैं। हमारा पहला जो काम होगा वो होगा कि ये जो हमारे पास दिया गया है एक्स और वाई, इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट को हम सेम बनाएंगे। तो चलिए हम ट्राई करते हैं वाई के कोफिशिएंट को सेम करने की। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखते हैं वाई के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए मल्टीप्लाइंग 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 फर्स्ट बाय टू एंड सेकेंड बाय थ्री एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को टू से तो बन जाएगा 4x + 6y = 2 times 2, 3, 4, 0। और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9x + 6y = 3 × 2 - 2 - 1, 5। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस एंड माइनस, साइंस चेंज हो जाएंगे। जब साइंस चेंज होंगे तो ये 6y कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद ओनली 4x - 9x - 5x = 2 times 2, 3, 4, 0 - 3 times 2 - 2 - 1, 5। ये हमारे पास बन जाएगा -5x = 4, 6, 8, 0 - 6 - 6 - 3 and 15 -5x = 4 - 6, 6 + 6, 8 + 3, 0 - 15 and x = -1/5 - 2, 12, 11 and -15। और ये जो -1/5 है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी गेट x = -2/5 - (+) 2/5 - (12/5 -
11 अपॉन 5 एंड प्लस 3. तो दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स वी हैव गॉट. तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया. ठीक है, तो इसी को हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये x का वैल्यू है. अब यही x का वैल्यू जो है हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. तो आप देखें, हम y का वैल्यू निकालने के लिए इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो लेट अस मूव अहेड. हम देखते हैं कि हमारे पास y क्या आएगा. तो चलिए पहले अब हमारे पास कहता है सब्स्टिट्यूटिंग. x इन फर्स्ट तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन 5 माइनस 11 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5 एंड 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 0. वी कैन राइट इट एज 4 अपॉन 5 माइनस 24 अपॉन 5 माइनस 22 अपॉन 5 एंड 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 एंड 0. 3y को अभी हम वही रहने देंगे. मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 0 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 24 अपॉन 5 माइनस 22 अपॉन 5 6. चलें आगे देखते हैं. दिस इंप्लाइज दैट 3y इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज 2 माइनस 4 अपॉन 5. देन 3 माइनस 24 अपॉन 5. देन वी हैव 4 माइनस 22 अपॉन 5 एंड 0 माइनस 6. और ये जो माइनस माइनस है जहां जहां मैंने लिखा इसको हम प्लस कर देंगे. तो दिस विल बी प्लस. नाउ वी हैव गॉट दिस इज 3y इज इक्वल्स टू, लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट. एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 4 अपॉन 5 15 प्लस 24 अपॉन 5 20 प्लस 22 अपॉन 5 एंड माइनस 6 एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y एज, अगर हम और आगे देखें, सो व्हाट वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 1 upon 3. This is 6 upon 5, 39 upon 5, 42 upon 5 and finally -6. और जब ये 1/3 सबसे multiply होगा, we will get it as 2 upon 5. 13 upon 5, 14 upon 5, and minus 2. So, this way we get the value of y as
दिस इज द आंसर फॉर इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. मजेदार सा क्वेश्चन है, हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो एंड साइन एक्स कॉस एक्स जीरो एंड जीरो जीरो वन. और हमें बताया गया है कि शो डेट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. नाउ लुक एट द थिंग्स हियर. देखिए हमारे पास जो ध्यान देने वाली बात है फंक्शन ऑफ एक्स है और फंक्शन ऑफ एक्स को उसने इन टर्म्स ऑफ ए मैट्रिक्स बताया है. तो यहां देखें हम ऐसे बात करेंगे हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन. एंड सिमिलरली हम कह सकते हैं एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू यही चीजें कॉस वाई में आ जाएंगी कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई cos y 0 and 0 0 1. ये हमारे पास f of y है. Now हमें find out करना है f of x into f of y. f of x into f of y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि it is product of these two matrices. It is cos x sin x 0 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स जीरो एंड लास्ट रो हमारी क्या बन जाएगी जीरो जीरो एंड वन. सिमिलरली हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स एफ ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई जीरो साइन ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई जीरो 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 वन. अब आपने ना इन दोनों का प्रोडक्ट बड़े ध्यान से देखना है. तो दिस इज इक्वल टू हम इसको ध्यान से देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या है. थोड़ी सी स्पेस बड़ी वाली लेता हूं इधर लिखता हूं. ये मेरे पास क्या बन जाएगा. नाउ यू जस्ट हैव टू सी कि हम लोगों ने क्या करना है. पहले कॉस एक्स को कॉस वाई फिर साइन एक्स साइन वाई एंड देन जीरो एंड जीरो लेके चलना है. तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे विल बी टेकिंग इट एज लाइक दिस कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई. देन इसी को हम लोग किसके साथ लेके चलेंगे फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ लेके चलेंगे. तो वी विल बी गेटिंग इट एज हमें क्या मिलेगा. हमें मिलेगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई प्लस नहीं माइनस माइनस साइन एक्स कॉस वाई एंड देन हम इसको
थर्ड वाले कॉलम के साथ लेके चलेंगे जीरो जीरो एंड वन, तो ये हमारे पास फाइनली जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीरो। सिमिलरली अब हम सेकेंड कॉलम सेकेंड रो को लेके चलेंगे तीनों कॉलम्स के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा साइन एक्स कॉस वाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, प्लस फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। अब इसी को जब हम सेकेंड कॉलम के साथ लेके चलेंगे तो बन जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, दिस इज जीरो, एंड फाइनली वी गेट इट एज जीरो जीरो एंड वन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेप वेरी वेरी केयरफुली। इसको हम लोग इस तरह से लिखने वाले हैं, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहां से इस वाले एलिमेंट से हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे और हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे cos x बल्कि हम इसको ऐसे लिखेंगे sin x cos y प्लस cos x sin y जीरो। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, cos x वाली टर्म्स को पहले लिखेंगे, तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब मैंने ये सब लिखा क्यों इस तरह से, ये अभी आपको बताता हूं। बिकॉज हमें पता है साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई होता है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो आप देखें ये सब ऊपर वाले के साथ मैच कर रहा है, इफ यू सी, तो यहां पे साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हमें कहां पे मिल रहा है? ये हमें एक यहां पे मिल रहा है और एक हमें यहां पे मिल रहा है। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं cos x और cos y, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? ये हमें यहाँ यहाँ मिल रहा है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ नीचे भी cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इसलिए अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई एंड जीरो। फिर यहां पे हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो एंड वन, ये जीरो जीरो आ गए। नाउ लुक एट द थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली। जब हमारे पास यहां पे फर्स्ट एफ ऑफ एक्स जब हम लोग ले रहे थे बिल्कुल शुरू में, देखिए तो ये कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, और ये वाला रो और ये वाली कॉलम और ये वाला रो जीरो जीरो इस तरह से बना। तो आप देखें ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, ये जीरो जीरो वन है लास्ट वाली रो और ये लास्ट वाला कॉलम जीरो जीरो वन है जो हमारे पास एक्चुअल उसके साथ कर रहा है। बाकी सब जगह पे एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई, दैट इज वाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज एफ एक्स प्लस वाई।
hence proved. So this was whole of the question. So जिसमें हम लोगों ने साइन और कॉस की आइडेंटिटी यूज की. So I hope this is clear to all of you. Question number 15. हमारे पास दिया गया है a is equals to 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1, 0. If a is equals to this, then हमें बताना है a square -5a + 6i का वैल्यू. अब ध्यान देखेंगे, ध्यान से बात सुनेंगे. जब हमारे पास a गिवन है दिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि a स्क्वायर हमारे पास क्या देगा, a इंटू a. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आई कैन टेक इट एज 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1, 0. (2, 0, 1, 2, 1, 3, and 1, -1, 0). तो आपको फर्दर पता ही है कि प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको यहां से ऐसे लेके चलेंगे, राइट. तो बस वही करने वालों जो आपने ऑलरेडी किया है, सीखा है. तो व्हाट वी विल बी गेटिंग इट एज 2 × 2, 4, + 0, + 1. Then 2 × 0, 0, + 0, -1. Then 2 + 0, + 0. Then 4 + 2, + 3. Then 0, + 1, -3. Then 2 + 3 + 0. Then हमारे पास फिर से क्या रहेगा, 1 के साथ. तो 1 × 2, 2, -2, + 0. 0, -1, + 0. And 1, -3, + 0. A square is equals to 5, -1, 2, 9, -3, 5, 0, -1, and -2. ये हमें ए स्केयर का वैल्यू मिल गया. फिर हम लोगों को बोला जा रहा है ए स्केयर, क्योंकि हमें वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है ए स्केयर -5a + 6i. अब -5a के लिए पहले हम 5a फाइंड आउट करेंगे. ये तो बहुत सिंपल है, 5 × 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1, 0. ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज इक्वल्स टू 5a को हम लिख सकते हैं 10, 0, 5, 10, 5, 15, 5, -5, and 0. एंड द थर्ड थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी वो है 6i. 6 तो हमें समझ आ गया, बट व्हाट इज i हियर, क्योंकि हम लोग 3×3 मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आई भी 3 ऑर्डर का होगा, यानी 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 6. नाउ
इफ यू सी हियर, तो हम लोगों को तीन वैल्यूज पता चल गई। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई। तो जस्ट हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, वी विल बी गेटिंग इट एज 5 - 1 - 2 - -3 - 5 - 0 - 1 - 2 - 5 8 - 0 - 5 - 10 - 5 - 15 - 5 - 5 - 0 प्लस 6i। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए आगे देखते हैं, हम इसको एक ही मैट्रिक्स में आप अगर लिखेंगे तो ऐसे आएगा 5 - 1 - 10 + 6 - 1 - 0 + 0। एंड फर्दर क्या बनेगा, फर्दर ये लिखा जाएगा किस तरह से, 2 - 5 + 0 9, क्या लिखा जाएगा इसको, 9 - 10 + 0 - 3 - 5 + 6 - 5 - 15 + 0 and the last row is 0 - 5 + 0 0 plus, sorry, this is not 0, this is minus 1 plus 5 plus 0 and the last term is, हमारे पास क्या बनेगा, -2 - 0 + 6 and finally we get the answer as what we have got the answer। जब हमने इन सारी कैलकुलेशंस को लेके जब चले तो हमें ये जो आंसर मिलने वाला है, ये आंसर क्या आ रहे वाला है, ये आंसर आ रहे वाला है 11 - 10 - 1 - 1 - 2 - 5 - -3 then 9 - 10 - 1 6 - 8 - -2 15 - 5 - 10 आ जाएगा, 5 - 15 - 5 4 एंड 6 - 2 - 4 सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस। नोट दिस पार्ट अगेन स्टेप बाय स्टेप, सो जस्ट सी हमने कहां पे किस चीज को किस तरह से दिया है एंड देन We'll move ahead. Now, question number 16, बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी हमने question number 15 किया, बस इसमें एक ही चीज का आपको ध्यान देना है कि इसमें ना हमें एक क्यूब पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, करेंगे आप ही, मैं जस्ट एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं आपको, एक क्यूब पूछा गया, तो ए क्यूब इज एक्चुअली ए स्क्वायर इनटू ए लिख लीजिए, या ए स्क्वायर इनटू ए लिख दीजिए या फिर ए इनटू ए स्क्वायर लिख दीजिए, इट डजंट मैटर टू अस एट ऑल, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो एसोसिएटिव होती है, तो आप ए इनटू ए स्क्वायर कर दें या ए स्क्वायर इनटू ए कर दें तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, तो आपको ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इनटू ए करना पड़ेगा, तो बाकी का प्रोसीजर एज इट इज फॉलो होगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 में किया। We move on to question number 17. Question number 17 हमारे पास given है, A is equals to 4 - 2 - 4 - 2 और I तो हमें पता ही है कि क्या होता है, I is क्योंकि ये 2x2 matrix है तो I भी 2 order का matrix होगा 1 0 0 1, और इसने हमें बोला है फाइंड के
if if a square is equals to k times a minus 2i. अब यहां पे बेटा हम बात करते हैं कि a हमारे पास गिवन है. Here a is equals to 3 minus 2, 4 minus 2. So therefore a square is equals to a into a is equals to 3 minus 2, 4 minus 2 into 3 minus 2 and 4 minus 2. That is equals to 9 minus 8. 3 into 2 minus 6 plus 4. Then 12 minus 8. And then minus 8 plus 4. So a square ki value hume kya mil gayi? A square ki value hum logon ko mil gayi 1 minus 2 4 and minus 4. K times a ki baat karenge to k into 3 minus 2 4 minus 2 which is equals to 3k minus 2k 4k and minus 2k. Aur I to hame pata hi hai. So 2i is equals to 2 into 1001. That is equals to that is equals to 2002. अब हमारे पास इसने क्या दिया है? इसने हमें बोला है as a square is equals to k times a minus 2i. तो मैं ना इस इक्वेशन को पहले सिंपलीफाई कर लूं. Can I write it as this implies that a square plus 2i is equals to k times a. So this implies that हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 minus 2 sorry 4 नहीं it's 1 minus 2 4 minus 4 plus 2002 is equals to k times a 3k minus 2k 4k minus 2k. If we take it, this thing will be written as 1 plus 2 minus 2 plus 0 4 plus 0 minus 4 plus 2 is equals to we can write it as 3k minus 2k 4k minus 2k and then हमें k का value निकालने के लिए what we will do now हम लोग equality of matrices को लेके चलें. तो हम लोग यहां पे लिखेंगे now by definition of equality of matrices
अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं यस। खैर अभी हमें ये नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि अभी हमने इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है जो हमने अभी नहीं किया। जस्ट ए सेकेंड। तो ये आपके पास, हम पहले इसको क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे थ्री फोर माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री के माइनस टू के फोर के माइनस टू के। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हमारे पास बन जाएगा थ्री इज इक्वल्स टू थ्री के वन, फोर इज इक्वल्स टू फोर के टू एंड माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू के, इसको हम थ्री ले लेंगे। और आपके पास तीनों से के की वैल्यू क्या आ रही है, वन। तो हमारे पास के की वैल्यू सिमिलर आनी चाहिए थी, तो देयरफॉर के इज इक्वल्स टू वन। दिस इज द आंसर फॉर अस। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द थिंग्स इन अ वेरी सिंपल वे। आज इतने रखते हैं, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू मूव अहेड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।